नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतल ने पुलिस लाइन में बन रहे पुलिस क्वार्टर का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही एसपी रोहित मिश्रा ने भोजनालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने महिला आरक्षियों को समस्याएं उनकी सुनी हैं, जानी हैं और साथ में परिसर में साफ सफाई रखने और जल्दी समस्याओं के निवारण का आश्वासन भी दिया है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के मांडेबास निवासी युवक की जिला अस्पताल में जहरीला पदार्थ खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक ने मृत्यु से पहले अपने वीडियो बयान में थाना गागलहेड़ी पुलिस के दो सिपाहियों के उत्पीड़न को जहर पीने का कारण बताया है। तो वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक ने सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ काट लिए थे, जिसकी पूछताछ करने पुलिस युवक के घर गई थी। अब उसने मौत से पहले दिए गए बयान के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। आगरा के अतमादपुर में रसगुल्ले के चक्कर में बरातियों और घरातियों के बीच में जमकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि झगड़े के दौरान वरवधु पक्ष के करीबन 6 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान एक की मौत तक हो गई। लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने पीएफआई के संबंध में अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद नए नाम से नए संगठन खड़ा करने की चिंता जताते हुए पत्र में पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का भी स्वागत किया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी इज्जत नगर जिला बरेली का निवासी बताया जा रहा है। साथ ही आरोपी के पास से 20,000 रुपए नकद, 5 चोरी के मोबाइल फोन, 76 अदद नशीली दवाइयां भी बरामद हुई। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में हरीश रावत को शामिल कर लिया गया, जिनको कांग्रेस संचालन समिति में एक और नई जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत का नाम समिति में शामिल होना अपने आप में सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव में एक युवक की पीट पीट कर बिरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार किया और हत्या करने के बाद हत्यारा मौके से रफू चक्कर हो गया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री इस बार उत्तराखंड पहुंचे। सिर्फ केदारनाथ की अगर बात की जाए तो लगभग 16 लाख तीर्थयात्री ने बाबा केदारेश्वर के दर्शन किए। मथुरा के विश्राम घाट पर आज यम द्वितीया स्नान हो रहा है। भैया दूज के पावन पर्व पर हर वर्ष यमुना नदी के तट पर स्नान का विशेष महत्व है। जिला प्रशासन मथुरा की ओर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो उसको लेकर तैयारियां की गई। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाने वाला छठ पर्व का महापर्व शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इसको लेकर के गाजीपुर घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं। इस साल देर से गंगा में आए बाढ़ के चलते महापर्व छठ पूजा करने वालों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गाजीपुर के चोचकपुर गंगा घाटों पर पूजा करने वाले बेदिया सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर महिलाओं बच्चों पुरुषों को उतरने में खतरे की आशंका भी है। तो वहीं दूसरी तरफ संत कबीर नगर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में लाठी डंडे चले, लात घूंसे भी चले। इस दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। मगर पहुंची पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा में बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बर्थडे पार्टी के दौरान हाथ में असलहा लेकर युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस की फजीहत भी हो रही है। आगरा में प्रसाद के लड्डू खाकर मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई।
जिसके चलते दो दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को किसी ने देर शाम लड्डू खिलाए थे, इसके बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में खूनी संघर्ष में गोली लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से चार लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सूचना पर एसपी, एएसपी और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर पड़ताल की गई है। साथ में जिला अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों ने घायलों का हाल भी जाना। एसपी ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार हम कर लेंगे। जनपद महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग निवासी 27 वर्षीय अरविंद अनुरागी नामक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस की ओर से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। कानपुर देहात में दो दर्जन से ज्यादा नव युवकों ने नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पर जन्मदिन पार्टी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीच हाईवे पर दो दर्जन युवक बाइक के ऊपर रखकर केक काटते नजर आ रहे हैं। महोबा उप कारागार में बंद बंदियों को स्वास्थ्य के लिहाज से योगाचार्य संजय दीक्षित की ओर से हर रोज बंदियों को योग और ध्यान कराया जा रहा है। वहीं बड़ी तादाद में हर रोज योग करके बंदी भी प्रसन्न और स्वस्थ नजर आ रहे हैं। बंदियों का मानना है कि सुबह उठते ही योग करने से शरीर में एनर्जी का संचार होगा और मन भी उनका खुश रहेगा। महोबा जिले में इंजन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक यात्री ट्रेन बड़े हादसे से बच गई, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग में गेटमैन पटरियों के बीच में लाल झंडा लगाकर गेट बंद करके ड्यूटी के दौरान सो गया था, और इस दौरान प्रयागराज से झांसी जाने वाली यात्री ट्रेन उसी क्रॉसिंग से गुजर रही थी। दूर से ही इंजन के ड्राइवर की नजर लाल झंडे में पड़ गई और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोककर बड़े हादसे को टाल दिया। इतना ही नहीं, ट्रेन के इंजन ड्राइवर और स्टाफ में क्रॉसिंग में जाकर सो रहे गेटमैन को जगाकर गेट खुलवाया, तब जाकर ट्रेन झांसी के लिए रवाना हो सकी। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ है और इस लापरवाही के लिए गेटमैन को निलंबित भी कर दिया गया। बदायूं में मैंथा टैंक की सफाई करते समय बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, जहरीली गैस बनने से एक मजदूर की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरे मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बरेली रेफर कर दिया गया। कुशीनगर में एसबीआई एटीएम से चोर गैस कटर के जरिए कैश बॉक्स उड़ा ले गए। आपको बता दें कि तुमकुरी राज कस्बे के हरिहरपुर चौराहे पर ममता हॉस्पिटल के पास स्थित एसबीआई के एटीएम की ये घटना है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। कन्नौज में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में दो लोगों की मौत, वहीं चार लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश तेज कर दी। अलीगढ़ में बाइकर्स गैंग के युवाओं ने पत्रकार के बेटे पर हमला बोल दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त से दो तमंचे, एक बुलेट, स्कूटी भी बरामद की है। कन्नौज में पोल्ट्री फार्म में चोर 400 मुर्गों के साथ उनका दाना और पंखे लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि मुर्गे चोरी का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिसिया मुस्तैदी की धज्जियां उड़ रही हैं। अमरोहा के दौलतपुर गांव में गन्ने के खेत में 12 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, बच्चा कल दोपहर से लापता था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश भी तेज कर दी है। इटावा के ग्राम पंचायत भरईपुर के गौशाला में लंपी वायरस से ग्रसित 3 गौवंश बुरी तरीके से परेशान हैं। कई गौवंशों को जिंदा ही कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। लगातार गौशालाओं में गौवंश दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कभी चारा न मिलने पर तो कभी बीमारी से सैकड़ों गौवंशों ने दम तोड़ दिया है।
हाल ये है कि लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे गौशाला में दर्जनों गौवंश लंपी बीमारी से ग्रसित हैं और डॉक्टरों की टीम बीमारी से ग्रस्त गौवंशों का इलाज करने में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी इलाज नाकाम होता नजर आ रहा है। आज भी कई गौवंशों ने दम तोड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, कल हार्ट अटैक के चलते अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह का निधन हो गया था। बरेली में एक युवक खुलेआम महिला और परिवार की जमकर पिटाई कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला इज्जत नगर के आलोक नगर का बताया जा रहा है। मथुरा जिला कारागार में बड़े ही उत्साह के साथ भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस दौरान बंदियों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां पर बड़ी तादाद में बहनें जिला कारागार पहुंची। जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए थे। बंदियों और बहनों के लिए कुर्सी और टेबल लगाकर भाई दूज का पर्व मनवाया गया, साथ ही मिठाई और पूजा सामग्री भी जिला कारागार की तरफ से उपलब्ध कराई गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके लिए इन सभी दिग्गजों को जिलों, विधानसभा क्षेत्र और मंडलों में प्रवास करना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 28 अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होगी, जिसमें सभी कार्यक्रम तय किए जाएंगे और हारी हुई सीटों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। चित्रकूट के करवी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले इलाके सोनपुर रोड पासी तिराहा पर दोपहर अचानक कुछ कहा सुनी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दो पक्षों में देखते देखते मारपीट का दौर देखने को मिला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।